हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट इस गिरते मार्केट का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। मीम कॉइंस ने पूरे मार्केट के लगा दी है। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था पीपे कॉइन जो है ये बर्बाद कर देगा, और वीडियो डाली थी उसके बाद टेलीग्राम पे भी आप लोग कहा था कि भैया कौन कौन इसको शॉर्ट कर रहा है, और मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा जल्दी निकल गया 21% के आसपास, बट उसके बाद से पेपे कॉइन जो था और ज़बरदस्त गिरा 30% के आसपास, उसमें अच्छी खासी गिरावट हुई। और अगर आप 10x पे भी चल रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा आपको प्रॉफिट वहाँ पे मिलता, सीधा 300% का आपको प्रॉफिट वहाँ पे मिलता। ओके, तो वो मीम कॉइन्स की वजह से पूरा मार्केट लड़खड़ा रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बट ये सिर्फ एक मीम कॉइन से इतना नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स मीम्स के अंदर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पैसे को भुनाते हैं, सेल ऑफ करते हैं, क्योंकि कोई भी ना ही यहाँ पे BNB में खड़ा होना चाहेगा, ना ही BTC में खड़ा होना चाहेगा। तो जो जो वो बेचते हैं फटाफट उससे क्या रहता है कि USDT के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप डोमिनेंस का जो चार्ट है USDT का तो वो भी देख लेना। ओके, खैर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब एग्जैक्टली मार्केट में क्या करना चाहिए। मैं थोड़े से मार्केट में आपको BTC के सिनेरियोस बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि डॉज कॉइन में अभी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें उन कॉइन्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो अपने एक रॉक बॉटम सॉलिड सपोर्ट के आसपास है। ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे आपको फ्री प्रीमियम चैनल जो है उसमें किस हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म्स वगैरह है उसको सबमिट कर देना, गूगल फॉर्म्स है, तो आपको हमारे फ्री ट्रेडिंग जो चैनल है जहाँ पे स्पॉट्स है, फ्यूचर्स है, सब के बारे में आपके पास चार्ट्स आएंगे, आपके पास सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, उनको आप देख के आप उसमें ट्रेड वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। मतलब कंटिन्यूसली कोशिश ये रहेगी कि मेरी तरफ से कि आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मिलता रहे। मैं हूँ और जो कुछ मेरी जो टीम है और वो टीम में जो लोग हैं दे आर नथिंग बट आप में से ही कुछ लोग हैं जो कुछ एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वो सब लोग हम लोग मिलकर अच्छा खासा चीज़ आप लोग को यहाँ पे देंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से भी करना है। प्लस उसके अंदर जो भी मार्केट में अच्छे एयर ड्रॉप्स आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दैन कुछ प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं या लॉन्च पैड पर कुछ अच्छे आ रहे हैं, कोई भी एक्सचेंज के लॉन्च पैड पर आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से एक्सचेंज में बेनिफिट रहेगा ट्रेडिंग करने का वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, और P2P से रिलेटेड भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन एक मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई P2P जो है इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जब हम बाय करने जाते हैं तो साला 97-96 ये रेट मिल रहा है। ओके, और जब हम सेल करने जाते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए, P2P ट्रेडिंग इंडिया के अंदर थोड़ा सा रिस्की तो है, बट ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं। ठीक है, सोर्सेज लगे हैं जहाँ पे आपको हमको मार्केट से बहुत कम रेट में आपको USDT मिल सकता है। ठीक है, लमसम मेरे ख्याल से 88-86 के आसपास प्लस माइनस फ्लक्चुएट करेगा, वो मिल सकता है आपको मार्केट में। 96 का रेट चल रहा है। ठीक है, और अगेन वापस से आपको कहूँगा कि देखिए टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे आपको स्कैमर्स मिलेंगे। ठीक है, मेरे नाम से मिलेंगे, मेरे फोटो से मिलेंगे अलग आके, देन ओपन फॉर प्रॉफिट के नाम से मिलेंगे। वापस आप लोग सचेत कर रहा हूँ कि अगर वो आपसे डायरेक्ट कभी कॉन्टेक्ट करते हैं, DM करते हैं कि भाई हम आपको ये दिला देंगे, ये पैसा दे दो, वो दिला देंगे, ये करा देंगे, तो बिल्कुल मत भेजना किसी को पैसा। ठीक है, क्योंकि यही जो मार्केट का टाइम होता है यहाँ पे जो स्कैमर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि लोग काफ़ी हताश हो चुके हैं और लोगों के पास पैसा है लेकिन सोच रहे हैं कहाँ निवेश करना नहीं करना है। तो आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह बताएंगे, आपको डायरेक्ट मैसेज आएगा कि भाई इसमें पैसा डाल दो, 10% रोज आएगा, 15% रोज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारा आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पैसे तो आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, और प्लीज़ बी इन टच। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई ज़बरदस्ती तो पहले ट्रेडिंग नहीं करनी है, और ट्रेडिंग को तरीका जो होता है, जो माइंडसेट होता है उसको सिखाने की कोशिश होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने आपको बचा लिया, हमने आपको बचा दिया। ठीक है, कल तक हम पेपे कर रहे थे और जब पेपे नीचे गिरा तो हमने आपको बचा दिया, हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, एनालिसिस सही होती है, गलत होती है, पर कोशिश ये रहती है कि आप
टाइम टू टाइम इन चीजों को सीखो, क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये आगे भी ट्रेडिंग के अंदर होंगी, और जब होती है तो आपको किस हिसाब से रहना है, क्या करना है। जबरदस्ती तो कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, और ट्रेडिंग ना करो तो भी माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब यार हमने हफ्ते भर कुछ ट्रेडिंग नहीं की, हमने कुछ कमाया नहीं यार, अब क्या होगा यार। ठीक है, टाइम निकलते जा रहा है, यही टाइम होता है कि पैसे को बचाओ। ओके, और सही टाइम आता है तब उसके अंदर निवेश करो। ठीक है, खैर मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, बीटीसी का सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा मार्केट टिका हुआ है। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन करके रखा है, एंड आई एम यूजिंग बिटगेट एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, अच्छे से अच्छे जो कॉइन्स हैं, जो लिस्ट हो रहे हैं, मेम कॉइन्स है, हर चीज यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको जो करना आप कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे एयरड्रॉप्स फ्री में मिलने वाले हैं, एलोकेशन फ्री में मिलने वाली है, जो कल मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको यहाँ करना है वहाँ करना है, इट्स अप टू यू। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बीटीसी के कुछ एनालिसिस बताता हूँ। वन डे का चार्ट है, सिंपल रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तीन सिनेरियोज यहाँ पे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये पैरेलल चैनल मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ये ठीक है, यहाँ से सीधा ये गया, यहाँ से ये गया है, और अभी लास्ट टाइम जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें प्राइस कुछ इस तरफ था। मैंने आपको कहा था कि अगर मिड लाइन से ये नीचे की तरफ आता है कैंडल्स, ठीक है, जो यहाँ पे, तो खतरा हो सकता है, देन वी आर वेरी गुड टू सी दिस लेवल। ओके, तो अब ये पैरेलल जो चैनल है इसके हिसाब से ये जो लेवल है, यानी कि 25,880 के आसपास, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ तक अगर ये इसको तोड़ता है तो क्या होगा, हमारा जो दूसरा सिनेरियो है जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, ओके, ये इसकी जो कैलकुलेशन बताती है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। डेट मीन्स कि अगर फर्स्ट सिनेरियो यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है, नीचे होता है, वैसे चीजें तो काफी बेरिश है, देन वी आर वेरी गुड टू सी BTC इन ए प्राइस रेंज ऑफ 24,400 से लेके हम 23,400 के बीच में इस प्राइस को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज इसके अंदर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये चैनल को यहाँ से हटाता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ओके, नाउ हेड एंड शोल्डर मैंने बता दिया। तीसरा सिनेरियो यहाँ पे जो है कि सिमेट्रिकल जो ट्राइंगल था, मैं इसको भी कलर करता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ओके, एंड इसको येलो कर देते हैं। ठीक है, तो ये येलो वाला जो लाइन था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नीचे हुआ, उसके बाद से फ्रेश कैंडल जो था वो भी रेड हुआ, नीचे हुआ। यहाँ पे ये फ्री फॉल है, इसकी भी कैलकुलेशन निकालते हैं तो यहाँ से ये भी जो है एक ही रेंज बताता है, 23,400 के आसपास। ठीक है, तो ये अभी का सिनेरियोस बता रहा है इस हिसाब से। अब जब तक ये कैंडल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर नहीं आता है, मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल लॉन्ग के पीछे मत भागना। ये भी मत सोचना कि हम भैया यहाँ से लॉन्ग कर लेंगे तो हमें एक ज़्यादा मुनाफा होगा, नहीं, यहाँ पे आपने गलत जगह लॉन्ग की, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेंड होगा, यहाँ पे प्राइस और नीचे जाएगा, आपका एसएल वगैरह हिट हो जाएगा। जब लेवल्स एक आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक कन्फर्मेशन हमेशा वेट करो ट्रेडिंग के अंदर, कन्फर्मेशन होता है देन ओनली यू शुड गो इन ट्रेड। ठीक, तो अभी जो कन्फर्मेशन है वो नीचे की तरफ है तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक और चीज यहाँ पे आपको बीटीसी का मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम यहाँ पे बात करते हैं सीएमई गैप के बारे में बात करते हैं। ओके, अब सीएमई गैप जो है, देखिए ये हमेशा से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि जब भी एक सीएमई में गैप होता है, जैसे यहाँ पे गैप हुआ था, ये था 17 जनवरी 2023 के आसपास, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, सब लोग खुश थे। ओके, और लेकिन ये गैप यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस वापिस से आया, इस गैप को यहाँ पे क्लोज किया। देखो ये जो गैप था, लेट मी शो यू, यहाँ से ये गैप था। ओके, इसको इसका रंग हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये गैप था, तो प्राइस कहाँ तक गया, पूरा इस गैप को यहाँ पे हिट किया। ठीक है, और उसके बाद से प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक लिया। ओके, जब प्राइस ने यहाँ से बाउंस बैक लिया तो उसने ये जो लेवल था 20,400 से लेके 21,200 के आसपास एक गैप छोड़ा, गैप छोड़ के प्राइस ऊपर गया, और अभी तक ये गैप यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। देन अब बहुत सारे लोगों की ये भी अटकलें हैं, अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं, ये भी कह रहे हैं कि बीटीसी की जो प्राइस है, ओके, अभी यहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा फिर चांसेस रहेंगे ये सीएमई गैप को कंप्लीट करने के लिए।
तो अगर यहाँ पे कंप्लीट करता है गैप को, तो ये जो चीज है ये ओके हो जाती है, ठीक है इसका गैप अप हो गया है। और फिर यहाँ से अगर जो प्राइस ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक लेता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा बनेगा एक डब्लू पैटर्न बनेगा और डबल बॉटम इस हिसाब से ऐसे बन जाएगा। ओके, डेट विल बी ए वेरी पॉजिटिव बुलिश साइन कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज निकल रहे हैं बीटीसी को लेके। ठीक है, आई होप आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा अब आपको क्या करना है बीटीसी के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर पूरा मार्केट चलता रहेगा। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक और कॉइन यहाँ पे कवर अप करूंगा जो थोड़ा सा मुझे बॉटम में लग रहा है, और ये था डॉज कॉइन। ओके, तो यहाँ पे डॉज कॉइन क्या दिख रहा है हमें, इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.07 के आसपास चल रही है, यहाँ पे चल रहा है। और ये जो लेवल है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है। इसको मैं थोड़ा यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ। ओके, डेट मीन्स 0.063 या 65 के आसपास, और ये जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट है फॉर डॉज कॉइन बाउंस बैक। ठीक है, यहाँ से हमेशा इसने काफ़ी साइडवेव चला है और यहाँ से इसने पंप लिया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट जब टूटा है तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा, फटाक से बाउंस बैक हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये डॉज कॉइन और नीचे मिलेगा 0.0635 के आसपास, ठीक है, या 0.065 के आसपास, तो मेरे हिसाब से आप इसको ग्रैब कर लेना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, लेके रख लेना, हो सकता है थोड़ा साइडवेज में चले, इंतज़ार करना, बट ये इस लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, हो सकता है हफ्ते दो हफ्ते रहे, लेकिन अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक ले लेगा। ठीक है, तो ये डॉज कॉइन था। और जाते जाते वापस से मैं एक बार मैटिक का हाल देख लेते हैं। यहाँ मैटिक का हम देखते हैं कि मैटिक की जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, अब मैं तो बिटगेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इस लेवल से हुई थी, और उसके बाद से यही जो लेवल था ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काफ़ी अच्छा खासा एक्ट किया। मतलब कि कह सकते हैं कि जुलाई 2022 से लेके आप कह सकते हैं कि पूरा जनवरी 2023 तक, यानी कि 6-7 महीने इस रेंज ने काफ़ी अच्छा खासा मैटिक को सपोर्ट दिया। और अगेन राइट नाउ इसमें बड़ा करता हूँ यहाँ पे। ओके, यू कैन सी कि मैटिक की प्राइस जो है इस जोन के अंदर आ गई है, यानी कि अभी अगर सपोज करो 7-8% नीचे आता है तो वापस से यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मेरे हिसाब से 100% मिलना चाहिए। तो आप इसके अंदर एक एंट्री बनाने की सोच लेना, मतलब कि अगर 80 सेंट के आसपास आता है, उससे नीचे आता है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली इसका वेट करेंगे कि ये 75 सेंट पे आए, क्या पता यहाँ तक ना आए, और यहाँ पे जो एक लोकल सपोर्ट है 80 के आसपास यहाँ से हिट करके ऊपर आ जाएगा, तो फिर हमसे गाड़ी मिस हो सकती है। बट स्टिल थोड़ा सा बहुत यहाँ पे एक्यूमुलेट करना आप लोग चालू कर दो। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट बीटीसी एनालिसिस, क्रिप्टो एनालिसिस, और बीटीसी के 3-4 सिनेरियोज है वो मैंने आपको बता दिया है। माहौल थोड़ा सा बेरिश है और चारों तरफ से मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है, बाइनेंस को लेकर चल रही है और भी एक्सचेंज को लेकर चल रही है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, क्रिप्टो जो पहले था वैसा नहीं है। ओके, और बड़े बड़े जो लोग हैं क्रिप्टो के अंदर वो भी सब मीम कॉइंस के पीछे पड़े हैं और खुलेआम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हम तो इसके अंदर कर रहे हैं, नुकसान भी हो सकता है, वो भी पे आ जाओ, पॉलोनिक्स पे आ जाओ, यहाँ पे वो लिस्ट होंगे, और एक तरह से गैम्बलिंग करना है तो कर लो हमारे साथ। ठीक है, इस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, सो बी केयरफुल इन दिस मार्केट, और मार्केट में बहुत ज़बरदस्त एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। फाइनली एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए, इतने महीनों से देख रहे हैं, साल भर से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं वो बहुत हद से हद खराब है। अब उसको किस हिसाब से बचाया जा रहा है, डॉलर को प्रिंट किया जा रहा है, इन्फ्लेशन का आप हाल देख रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है वो किस हिसाब से बढ़ते हुए आ रहा है, 20-25 करके बढ़ते हुए आ रहा है। ओके, कितने सारे बैंक जो है यूएस के वो तबाह हो चुके हैं, यूके की इन्फ्लेशन रेट जो बताया गया कुछ 10% के आसपास निकल के आ रही है। ठीक है, तो सारी जगह, एक दो देश में नहीं, हर जगह ये स्थिति इतनी खराब है कि पूछो नहीं। और अभी जो भी मार्केट चल रहा है ग्लोबली, आप स्टॉक की बात कर लीजिए, इंडिया की, फॉरेन की, यूएस की बात कर लीजिए, ठीक है, सब हवा में चल रहा है। ठीक है, और सबको पता है कि जिस दिन ये मार्केट बस्ट होगा ना, 2008 तो कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत ज़बरदस्त नीचे आएगा। और बिटकॉइन और गोल्ड को लेके ये अब रख रहे हैं कि भाई ठीक है, वो मार्केट ख़राब है तो लोग इसको एक ऑल्टरनेटिव पकड़ते हैं, गोल्ड में निवेश करो, तो गोल्ड थोड़ा बढ़ रहा है, गोल्ड ही बहुत टॉप पे है, ये भी यहाँ से मेरे हिसाब से लुढ़केगा। ठीक है, और बीटीसी की हालत आप देख रहे हैं किस हिसाब से चल रही है। ठीक है,
तो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के चलना, अपने फंड को हो सके तो बचा के रखना और सही मौके की तलाश करना, हमारी भी नजर रहती है, जैसे मौका कुछ अच्छा दिखेगा तो ऑफकोर्स आपको बताया जाएगा इस मार्केट के ऊपर। दूसरी चीज, एक और जो न्यूज सुनी है, वन ऑफ माई फ्रेंड जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, उन्होंने ये कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जितने भी एम्प्लॉयज सबको एक ईमेल गया है, उसमें ये बताया है कि इस साल 2023 के अंदर कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ ऑल द रिसेशन गोइंग इन द मार्केट, इन्फ्लेशन गोइंग इन द मार्केट। ठीक है, ये सबको मिल गया है और ये मेल जो है पहली बार पिछले 15 साल के अंदर ऐसा सबको गया है कि किसी को भी कुछ इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हर कंपनी की हालत भी काफी खस्ता है, काम ही नहीं आ रहा है, पैसा कहाँ से देंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज को काटा जा रहा है, जॉब्स बहुत सारे लोगों की जा रही है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाने वाली है, तो बी केयरफुल इन दिस मार्केट और सोच समझ के आप पर ट्रेड करना। सुनो सबकी, मेरी भी सुनो, लेकिन अपने हिसाब से दिमाग लगाना, अपने सेफ फंड का इस्तेमाल करना और रिस्क एंड रिवॉर्ड को पकड़ के चलना। हमेशा ट्रेडिंग करो ये सोचो कि साला ये अगर मुझे नुकसान हो जाएगा तो कितना होना चाहिए, नुकसान हो जाएगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या करने के लिए, धरने के लिए, इन सबकी कैलकुलेशन पहले करो। ठीक है, और उसी हिसाब से ट्रेड करो, कभी भी पूरा पैसा मत लगाना। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे आना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह फॉलो कर लीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।